बसंत पंचमी आज इस दिन की जाती है सरस्वती पूजा। जानिए बसंत पंचमी के त्योहार का क्या है महत्व। आज बसंत पंचमी है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का विशेष महत्व है। इस दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत हो जाती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन साहित्य, कला, शिक्षा, ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन माँ सरस्वती की पूजा विधि विधान से करते हैं, उन्हें जीवन में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती है। आइए जानते हैं आखिर बसंत पंचमी के दिन ही क्यों सरस्वती माँ की पूजा की जाती है और क्या है इसका धार्मिक महत्व। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का धरती पर आगमन हुआ था। भगवान कृष्ण ने सरस्वती माँ से प्रसन्न होकर उनके जन्म दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाने का उन्हें वरदान दिया था। मान्यता के मुताबिक बसंत पंचमी के दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के कमंडल से विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए हर साल इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन जगह जगह सरस्वती पूजा का विशेष आयोजन भी किया जाता है। इसे सरस्वती पूजा और माघ पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी मनुष्यों और जीवों की रचना के बाद देखा कि सृष्टि सुनसान और वीरान नजर आती है। तब उन्होंने कमंडल से धरती पर जल छिड़का। कमंडल से निकलने वाले जल से अद्भुत शक्ति के रूप में माँ सरस्वती प्रकट हुई। माँ सरस्वती के एक हाथ में वीणा और दूसरे में वर मुद्रा थी। ब्रह्मा जी ने इनसे वीणा बजाने को कहा, जिसके बाद जीव जंतुओं में वाणी आई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित कई नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वो संगीत की भी देवी है। बसंत पंचमी के दिन इनके जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के मुताबिक श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। आइए बताते हैं बसंत पंचमी का क्या है महत्व। आपको बता दें कि चार ऋतुओं में बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन से ही शीत ऋतु का समापन होता है और बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। इस ऋतु के आगमन के साथ ही खेतों में फसलें लहलाने लगती हैं और पेड़ पौधों में फूल खिलने लगते हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल नजर आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।